जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खास खबरनामा। वट्टेपल्ली का इलाका, नाइस होटल की गली, आड़े पहाड़ की दरगाह के एरिया में वाटर लाइन मौजूद नहीं है। यहाँ की आवाम पीने के पानी के लिए तरस रही है। 8 दिन में एक बार टैंकर से पानी आता है और बड़ी मुश्किल से 2 बैरल पानी देकर चला जाता है। हमारी क्यादत 60 साल से हुकूमत कर रही है और अभी तक यहाँ आवाम पानी के लिए परेशान है। इस एरिया के एमएलए का नाम मौजम खान है और कारपोरेटर का नाम मोती नायक है। ये हमेशा वोट लेते हैं और फिर आवाम को भूल जाते हैं, अवामी मसाइल को भूल जाते हैं। इसकी शिकायत कई बार एमएलए और कारपोरेटर को की गई लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अब इसकी शिकायत हैदराबाद के पार्लियामेंट एमपी को दारू सलाम जाकर की गई है, इनको भी इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि ये गरीबों का काम भी नहीं करते हैं। चंद गरीबों का काम करके क्रेडिट ले आते हैं और हजारों गरीब परेशान रहते हैं। अब यहाँ की आवाम को तो ठीक से देख नहीं सकते, यूपी बिहार महाराष्ट्र जाकर आवाम को बेवकूफ बनाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम सच्चाई बताते हैं तो हमारे दुश्मन हो जाते हैं और हमको ये कहते हैं कि तुम्हारा दिल साफ कर लो। हमारा तो दिल साफ है लेकिन इनकी नीयत साफ है ना इनका दिल साफ है। ये हमारी क़यादत है, सच बताने वालों के दुश्मन हो जाते हैं। जरा इस आवाम को तो देखें, हमारी बहनों को देखें, किस तरीके से पानी के खतरे को तड़प रही हैं और बुरखे पहनकर अपील कर रही हैं यहाँ के सदर साहब को। और सदर साहब और एमएलएस आलीशान महलों में आराम की सांस ले रहे हैं। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। पानी की टाकी दले आती बोले, आज को 7 साल हो गया, 7 साल से अभी तक पानी की टाकी नहीं दले गई। लाइट के खंभे आके आज को 7 साल हो रहा, उससे पहले पानी की टाकी बोले, इंसान जीना कैसा, पानी नहीं है यहाँ पे, किल्लत से लोग तड़प रहे, गर्मी ना मोहरियाँ, ड्रेनेज लाइन नहीं है, रोड नहीं है, गड़े खोद लेके जी रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या बोलते क्या है, आ रहे हैं वोटिंग के लिए, आते वोटिंग लेते, वोटिंग के टाइम पे चले आते, बस उसके बाद ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन ऐसे हो जा रहा। हम ना मोतीलाल है हमारे कॉर्पोरेटर, पानी हम लोग ये मीरालम टैंक से जाके एप्लीकेशन देते, पूरे लेडीज मिल के जाते वहाँ पे जाके धरना दिए, जैसा का हो जाता हम लोग देखे करके वहाँ जाके बोल के करके आने के बाद में से 8 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार टाकी आती, टैंकर आती एक एक गली को, वो भी एक एक गली में 10-10 घर आए, 2 बैरल, 1 बैरल, 1.5 बैरल, कम से कम 1000 के करीब कंट्रीब्यूशन करेंगे घरों की काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से लेके ऊपर तक आपको कम से कम 1000 घर मिलेंगे। किसी के पास बोर नहीं है, किसी के पास पानी नहीं है। हम लोग हुकूमत से मुताले क्या करेंगे, केसीआर साहब से, एमएलए साहब से, हमारे सबसे यही मुताले है, हरे हमेशा आते, कॉर्पोरेटर साहब आते, एमएलए साहब आते, सब लोग आते, यही बोलते कि ठीक है भाई मोहरियाँ डले जाएंगे, ड्रेनेज लाइन डले जाएंगे, आप लोगों को रोड डले जाएंगे, नल की लाइन आएंगी, बोलते ये चारों आइटमों में अभी तक हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। कई बार हो गया दौरा लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ, जहाँ को वहाँ थमा हुआ है। सिर्फ वोटिंग के टाइम पे ऐसा दिखता कि चुंबक को, लोहे को चुंबक कैसा खींचते, वोटिंग के टाइम पे वैसा आते, लेडीज जेंट्स को समझाते कि भाई वोट दो, तो हम लोग भी बोलते चलो भाई हमारा एक है, देना है हमको वोट, हम लोग वोट देने के लिए चले आते। जैसा चुंबक खत्म, मैग्नेट लोहे का पावर पानी में डाले तो खत्म हो जाता, वैसे ही खत्म हो जाता। नल की लाइन दियो, ड्रेनेज लाइन दियो, रोड की लाइन दियो। अगर ये 3 चीज अभी नहीं दे सकते आप लोग, कम से कम पानी सप्लाई करो, पानी की सप्लाई कम से कम रमजान है, डेली तो सप्लाई करो भाई, आखिर कब तक हम लोग रमजान है साहब, हम लोग क्या रमजान में बाहर निकलना, लेडीज रोजे रह के बताइए आप लोग, हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम है। हम लोग हमेशा बोल रहे दारू सलाम जा रहे, फिल्टर को जा रहे, मीरालम फिल्टर जा रहे, सब जा रहे, फिर भी हमारे पानी नहीं। मेरा अब रमजान है, कल हमारे पास चांद रात है लेकिन घर में पानी नहीं है हमारे, आज जुम्मा का दिन था, वजू के लिए पानी नहीं था। हम लोग फोन करे, मौजम खान साहब को भी फोन करे, 1 नहीं 3 बार फोन करे तो भी उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स नहीं आया। सुबह से फोन करने के बावजूद भी आज एक पानी की टैंकर भी नहीं आई हमारे पास।
हमारे पानी की बहुत जरूरत है, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक हजार के करीब घर है सर, अभी चल के देखो खराब हो गया, आप लोग देख लीजिए हजार से बढ़ के। यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ के लीडर मोहम्मद शफीउद्दीन है, आ रहे नहीं कुछ देर, कॉर्पोरेटर है मोतीलाल नायक है। पानी का बहुत प्रॉब्लम है सर, हम लोग यहाँ पानी के लिए बहुत परेशान हुए। एमएलए साहब को भी आज फोन करे, मौजम खान को भी, तो आज हमारे रिस्पॉन्स नहीं मिला। 7 दिन से हमारे पास पानी की गाड़ी नहीं आई, आज जुम्मा होने के बावजूद भी हमारे घर में पानी नहीं था। नहीं, यहाँ पे नल की लाइन है, नल की लाइन भी नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग दारूसलाम भी गए थे, एमपी साहब से भी मिले थे, वहाँ से भी हमारे रिस्पॉन्स नहीं मिला। पानी का बहुत प्रॉब्लम है, पानी के टैंकर्स नहीं है यहाँ पर, और पब्लिक ज्यादा है। 6 महीने से पानी कंटिन्यू हमको नहीं दे रहे, 9 साल जी हाँ, पानी ड्रम्स में भरना है, पीने का पानी भी वही टैंकर से आता है, यूज करने के लिए भी वही टैंकर से पानी आता है। 2 ही बैरल पानी मिलता, वो भी 8 दिन में 1 मरतबा पानी आता। अब सुबह से हम लोग फोन कर रहे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, फिल्टर को भी फोन करे, हम लोग दारूसलाम भी फोन करे, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम यहाँ के लीडर शफी भाई है और कॉर्पोरेटर मोतीलाल नायक है, अब मौजम खान एमएलए हैं यहाँ के। हम लोग मौजम खान को भी फोन करे थे, पानी की गाड़ी भिजा दे बोले, जुम्मा होने के बावजूद भी पानी की गाड़ी नहीं भिजाए। हम फोन करने के बावजूद, लेडीज फोन करने के बाद में, और हर टाइम रमजान की ईद रहो, बकरी की ईद रहो, कोई ईद रहो, हमारे हमारे पास पानी को बाहर ही रहना पड़ता। हम लोग लेडीज हो गए, हम लोग बाहर रहना पड़ता, हमको पानी नहीं आता। हमारे जेंट्स को बाहर अगर फिल्टर को भिजाए तो हमको पानी की गाड़ी देते, नहीं भिजाए तो नहीं देते। हमको पानी का बहुत प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बोरिंग नहीं है, बहुत मुश्किल है हमारे तरफ। जाना ही पड़ रहा है, 15 दिन में आए थे इससे पहले रहमत बेग साहब आए थे, हम लोग जाने के बाद में एमपी साहब भिजाए थे, रहमत बेग साहब आए थे, उसके बाद में उन्होंने देख के चले गए। फिर भी हमको पानी एमआईएम को देते, हमारी पार्टी एमआईएम है तो एमआईएम को ही देंगे ना भाई। तो एमआईएम के कॉर्पोरेटर कौन है यहाँ पे? कॉर्पोरेटर मोतीलाल नायक है, उनको नहीं करे आपला कंप्लेंट? उन्होंने आते ही नहीं, कभी दिन आए नहीं यहाँ पर, सिर्फ वोटिंग के टाइम पे आते, बस उसके बाद नहीं आते। कभी दिन बस्ती में चेक नहीं करे भाई, क्या चीज की प्रॉब्लम है? शफी भाई फोन करे तो बराबर आते, शफी भाई हमको रिस्पॉन्स भी देते शफी भाई की तरफ से, लेकिन हमको यहाँ पर कोई भी कॉर्पोरेटर नहीं आते, कुछ भी नहीं आते। हम बोलने का बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ रोडा रोड हम लेडीज ठहर के पानी नहीं आती बोल के हम लेडीज सर के यहाँ पर ये रोड बनाया हम फिगर 2000 लेके ना इसकी फैसिलिटी है आप देख सकते हैं होरी का पानी डेनिज का पानी मस्जिद के सामने से जाता ना इसकी फैसिलिटी है ना कोई चीज की फैसिलिटी है। हमारा कॉर्पोरेट तो भी कॉर्पोरेटर तो भी चेंज करिए, या तो हमारे पास सहूलत जो नहीं है वो सहूलत उनको क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, रोड नहीं है, डेनिज लाइन नहीं है। आप आके देख सकते हैं, हमारा कॉर्पोरेटर हमारे को साथ नहीं दे रहा, हाथ ऐसा उठा के खड़े हुए हैं। हम लोग क्या करना, हम मजबूर है। नाम क्या है कॉर्पोरेटर का? मोतीलाल नायक है। अब उसके बाद और कौन हुए नहीं मालूम, हमारे पास पानी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हैं। देखे तो तफसीली आपको तला होती, रोड क्या है, घर कैसे है मालूम होता आपको, बढ़ के हजार से बढ़ के हमारे पास पानी नहीं है, नहीं है, नहीं आप चल कर घर में पानी नहीं है, हमको पानी की सहूलत दीजिए, यहाँ पर टैंकर काम करवाइए, जल्दी जल्दी पानी की टैंकी बनाइए, और हमको पानी का नल की सप्लाई दीजिए, तब तक हमको टैंकर की सप्लाई दीजिए सर। रमजान है, रमजान में हमको पानी का बहुत प्रॉब्लम है, रमजान में हमको पानी का हम बाहर नहीं निकल सकते। रॉयल फैमिली रह रही, बिलोंग कर रही, रिक्वेस्ट कर रहे जहाँ पे रॉयल फैमिली बिलोंग कर रही, वहाँ पर जैसा की गड़ा रहता वहाँ पे पानी जाता बोलते ना, जैसा रॉयल फैमिली रहेंगी वहीं पे पूरा सपोर्ट वहीं जा रहा। ये मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास से भी हम लोग गए हुए हैं, लोअर फैमिली में आते, लोअर फैमिली वाले किधर जाना, किधर बिलोंग करना है? लोग दारूसलाम असद साहब का ही है ना साहब, असद साहब का ही है ना दारूसलाम? दारूसलाम गए वहाँ पे एप्लीकेशन लेटर है, रफीक साहब को लिख के दिए एप्लीकेशन लेटर, रहमत बेग साहब को दिए, अभी किस किस को देना भाई? हम लोग कब तक आकर, लेडीज जेंट्स है सुबह उठ के जाते, किराया नहीं बन सकते, 5-5 हजार रुपए किराया है, नहीं बनने की सूरत में इतनी दूर पहाड़ों पे आके जिंदगी बसर कर रहे, क्योंकि आप लोग ही अलॉटमेंट दिए ना, ये घर बेच सकते, जमीन बेच सकते बोल के गरीबी जिंदगी में लेके हम लोग जीना चाह रहे। दारूसलाम गए थे एमपी साहब, रहमत बेग साहब को सर्वे करने के लिए भिजाए थे, उन्होंने भी आए सर्वे करके गए, लेकिन अब तक हमको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करके। कितना टाइम हुआ जाके भी? 2 महीने होगा, नहीं 2 महीने, बेग साहब आके 1 महीना आ रहा, उससे पहले आके 2 महीने होगा, 1.5-2 महीने हो रहा है। रहमत बेग साहब आए थे सर्वे करके गए, जब से भी हमको पानी के टैंकर नहीं आए उनको बुलाने का, अभी हमारी गवर्नमेंट से अपील है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जमात जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी कार्डियोलॉजी गायनेकोलॉजी डेंटल जनरल मेडिसिन डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन 2D डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन थिएटर ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।